आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो झारखंड में हो रहा था और उसके लिए आज वोटिंग हुई है। रघुवर दास ने भी अपना वोट कास्ट किया है। झारखंड में बीजेपी का दोबारा सरकार बना पाएगी, एक सवाल उठ रहा है क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार बीजेपी सरकार ना बना पाए। क्या पूर्वी जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास जीत का परचम फिर से लहरा पाएंगे? ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। इन सब को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री से खास बातचीत की गई है। हमारे सहयोगी ब्रजेश राय ने बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं और जमशेदपुर पूर्वी से ये प्रत्याशी भी हैं। सर, सबसे पहले तो जमशेदपुर पूर्वी सीट बहुत चर्चा का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जमशेदपुर एक मिनी भारत है और निश्चित रूप से जो बड़े शहर बड़े महानगर होते हैं तो उसकी चर्चा होती रहती है। सर, 20 सीटों पर आज चुनाव है और बीजेपी का नारा ये है कि अब की बार 65 पार। निश्चित रूप से आज के जो 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव है, मुझे पूरी भरोसा है कि 20 सीट ही नहीं पूरी राज्य के 81 सीट में भारतीय जनता पार्टी के जो 5 वर्ष में पहली बार 2014 में जो 3.25 करोड़ जनता ने जनादेश दी थी, उस जनादेश का सम्मान करते हुए 5 वर्ष हमने पूरी ईमानदारी से ईमानदार सरकार देने का प्रयास किया और विकास की किरण को समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम किया। और ये भारत की जनता की विशेषता है कि अगर कोई भी सरकार जनता के कसौटी पर खड़ा उतरती है तो जनता पाँव बिछाए खड़ी होती है। मुझे पूर्ण विश्वास अपनी राज्य के 3.25 करोड़ जनता के पर और अब की बार 65 पार होके रहेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से विपक्ष आपको निशाने पे ले रहा है, खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, और आपके 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी वो फर्जी करार देता है, क्या कहेंगे? देखिए, इसका उत्तर तो इस चुनाव में जनता दे देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे हमारा विपक्षी दल, उसका एक ही अभियान है, रघुवर हटाओ, बीजेपी हटाओ। भारतीय जनता पार्टी का अभियान है राज्य, हम राज्य की 3.25 करोड़ जनता और वैसी जनता जो इस समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी हमारी पल रही है उस गरीबी को समाप्त करने के लिए तो हम राज्य के प्रति जवाब दे। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रत्याशी भी हैं भाजपा के और फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि जो पिछले 5 वर्षों में कार्य हुआ उसको हम तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो झारखंड को समृद्ध करें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV जमशेदपुर।